हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को थ्री इम्पॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा। अगर आप ये थ्री सेटिंग अपने चैनल पे कर लेते हो तो आपका चैनल ग्रो भी होगा और आपके वीडियो पे व्यू भी आएंगे और आपका चैनल का इम्प्रेशन भी बहुत अच्छा जाएगा। तो ये थ्री इम्पॉर्टेंट सेटिंग अभी जान लो दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आगे करना क्या और वो थ्री सेटिंग क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, तभी आप लोगों को ये समझ आएगा कि करना क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ थ्री इम्पॉर्टेंट सेटिंग कौन से हैं। तो सिंपल से हम चलते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जाएंगे हम अपने, फिर आपको बताता हूँ कि करना क्या है। चलिए हम यहाँ पे अपने यूट्यूब चैनल पे पहुँच चुके हैं। अब आपको करना क्या, अपने लोगों में जाना है, यहाँ पे अपने चैनल के अंदर जाना है, योर चैनल, ठीक है। वेट, हाँ, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या, चैनल का सबसे फर्स्ट काम आपको करना क्या है, चैनल कस्टमाइजेशन। अब चैनल कस्टमाइजेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, और इसमें ये करना क्यों जरूरी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैं वेट, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है थोड़ा। तो चैनल कस्टमाइजेशन ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे चैनल कस्टमाइजेशन में आपको क्या क्या काम करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको सबसे फर्स्ट यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर वो वीडियो डालनी है आपकी जो आपके यूट्यूब वीडियो की सबसे बेस्ट वीडियो हो। मतलब आपके जो चैनल बनाया हो उस चैनल में आप जितने भी वीडियो डाले हो उसमें से आपको जो भी वीडियो बेस्ट लगती है वो आप यहाँ पे डालना है, उसको आपको यहाँ पे डालना है। तो इससे होगा क्या, जैसे कोई भी न्यू सब्सक्राइबर आपके चैनल में विजिट करने आएगा तो ये वीडियो आपकी ऑटोमेटिकली ही प्ले हो जाएगी। इससे क्या होगा, आपका चैनल का इम्प्रेशन भी बढ़ेगा और आपका इस वीडियो पर व्यू भी अच्छा जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। और सेकेंड काम आपको करना है आपका चैनल का ब्रांड, इसका मतलब है आपका चैनल का लोगो और बैनर ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कोई भी न्यू सब्सक्राइबर या फिर न्यू विजिटर कोई भी आए तो उनको प्रोफेशनल लगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो इस पर आपको ध्यान देना है, इससे आपके चैनल का इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा जाएगा, ओके। और आपको सेकंड काम मैं आपको बता रहा हूँ, कस्ट सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर पर अपलोड डिफ़ॉल्ट, फिर यहाँ पे देखिए एडवांस सेटिंग, यहाँ पे एडवांस सेटिंग। अब यहाँ पे आपको सेकंड काम क्या करना है, फर्स्ट काम आपका हो गया चैनल कस्टमाइजेशन, और आपका सेकंड काम है वीडियो लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए वीडियो लैंग्वेज लिखा है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आप जिस लैंग्वेज में वीडियो बनाते हैं वही लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप हिंदी में बनाते हैं तो हिंदी लेना है, और इंग्लिश में बनाते हैं तो इंग्लिश लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप पंजाबी वीडियो बनाते हो तो पंजाबी वीडियो बनाते हो और आप यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज में आप चूज़ करके रखे हो हिंदी, इससे क्या होगा, यूट्यूब कंफ्यूज हो जाता है कि आपके वीडियो को कहाँ भेजे। होता क्या है, जैसे आप पंजाबी में वीडियो बनाए हो तो आप यहाँ पे वीडियो लैंग्वेज हिंदी चूज़ किए हो तो आपका वीडियो यूट्यूब ना हिंदी ऑडियंस के पास भेजता है। इससे होता क्या है, इसी कारण से होता है कि आपका वीडियो जिन ऑडियंस तक जाना चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाता, इसी कारण आपका वीडियो का रिच डाउन होता है और आपके चैनल पे व्यू नहीं आते और आपका चैनल ग्रो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप ध्यान से, आपको जिस कैटेगरी के लैंग्वेज बनाते हो वही कैटेगरी चूज़ करना है आपको। और आपका थर्ड काम जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थर्ड सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल की कैटेगरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चैनल कैटेगरी, इसी से ही आपका वीडियो रैंक करता है। अब आपका चैनल देखिए, यहाँ पर कैटेगरी, जैसे आपका चैनल ब्लॉग का है, आप ब्लॉगिंग करते हो, तो बहुत सारे भाई लोगों को यही नहीं पता रहता कि उनका चैनल कौन सी कैटेगरी का है। जैसे वो ब्लॉगिंग करते हैं तो उनको डालना है यहाँ पे पीपल्स एंड ब्लॉग, यहाँ पे वो कैटेगरी डालना है। इसी कारण बहुत सारे ये लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि वो बनाते तो हैं चैनल में वीडियो लेकिन उनको यही नहीं पता रहता कि उनकी कैटेगरी क्या है। जैसे कोई टीचिंग का वीडियो बना रहा है तो उनको यहाँ पे एजुकेशन वाले कैटेगरी डाल के रखना है, कोई गेमिंग का वीडियो बना रहा है तो उसको गेम वाले ही वीडियो मतलब गेमिंग का ही कैटेगरी लेके रखना है। हम होते क्या हैं, हम वीडियो बनाते हैं कुछ और हैं और कैटेगरी कुछ और चूज़ कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है यूट्यूब यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाता है कि वो आपकी वीडियो को मतलब कहाँ सजेस्ट करे, मतलब किसके मतलब किसी भी मतलब किसी बड़े यूट्यूबर की वीडियो के नीचे भी सजेस्ट करेगा तो वो कन्फ्यूज़ हो जाता है यूट्यूब यहाँ पे कि कैसे सजेस्ट करे। जैसे आप साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाया हो और कैटेगरी गेमिंग चूज़ करे हो तो सीधी सी बात है, आप गेमिंग के नीचे आपकी वीडियो शो होगी तो कहाँ से आपकी वीडियो में रैंक करेगी और कहाँ से आपकी वीडियो में व्यू आएगा, तो इम्पॉसिबल है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैटेगरी चूज़ करना, आपको अपने चैनल से रिलेटेड, आपको आपका चैनल जिस सब्जेक्ट से मतलब जिस टाइप का वीडियो डालते हो
उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ करना ही है, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। और जिन भाई लोगों को अपना चैनल का कैटेगरी नहीं पता, वो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका चैनल देख के मैं उनको बता दूंगा कि उनका कैटेगरी क्या है। तो यही 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग थी दोस्तों। फर्स्ट है आपका चैनल कस्टमाइजेशन, सेकंड है आपका वीडियो लैंग्वेज, और थर्ड है आपका चैनल की कैटेगरी। बस यही 3 सेटिंग में ध्यान देना है दोस्तों। और फोर्थ सेटिंग ये भी है, थोड़ा सब्र कर लेना दोस्तों, क्योंकि सब्र बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जय हिंद, वंदे मातरम।